सुल्तानपुर में बीती शाम अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया गया। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा ये संकल्प लिया गया, जब तक पुनः अखंड भारत का निर्माण नहीं होगा तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। इस दौरान नगर के विभिन्न चौराहों पर जुलूस निकालकर लोगों को अखंड भारत के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। दरअसल बजरंग दल के नेतृत्व में तमाम हिंदू संगठनों द्वारा हर वर्ष 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया जाता है। अखंड भारत की परिकल्पना यही है कि जो भी देश भारत से अलग हुए हैं वो पुनः अखंड भारत का हिस्सा बने। इसी को लेकर बीती शाम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सहित तमाम हिंदू संगठन के लोग नगर के पंचमुखी चौराहे पर एकत्रित हुए और मशाल जुलूस निकाला। नगर के विभिन्न चौराहों से अखंड भारत के प्रति लोगों को जागरूक करता हुआ ये जुलूस पुनः पंचमुखी मंदिर पहुंचा, जहां इन संगठनों के सदस्यों द्वारा अखंड भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और संकल्प लिया गया कि किसी भी हाल में ये सभी अखंड भारत का निर्माण करके रहेंगे। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। भैया, जो आज कार्यक्रम हुआ है इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? देखिए, संदेश एकदम साफ है, बजरंग दल का एकदम संदेश साफ है, विश्व हिंदू परिषद का साफ है। हम लोग 15 अगस्त के बंटवारे को भारत का बंटवारा मानते हैं, 15 अगस्त को आज़ादी नहीं मानते। ये कुछ नए लड़के हैं, इनको अपना इतिहास नहीं पता है। हिंदुस्तान का बंटवारा जो हुआ था, आपको याद होगा, जॉन मैकलीन ने इंग्लैंड में बैठ के रेखा खींची थी। इस लेडी जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे शपथ लिया था, तो उनकी गवर्नर आपको पता होना चाहिए लेडी माउंटबेटन। भारत का एक प्रधानमंत्री अगर शपथ ले रहा है तो लेडी माउंटबेटन ये गुलामी का प्रतीक है। इसलिए ओलंपिक की मिसाल जब मसाल आई थी हिंदुस्तान में लेडी माउंटबेटन के नाम से, तो हमने उसका पुरजोर विरोध किया था। हम इस बंटवारे को नहीं मानते, हम अफगानिस्तान पाकिस्तान यानी अखंड भारत की बात, अखंड भारत मानते हैं। देखिए, समय बदल गया, हिंदू हजारों वर्षों से सहता रहा, इस देश में सहता रहा, सुन लीजिए मेरी बात, हिंदू हजारों वर्ष से सहता रहा, हमारे देश को टुकड़ों टुकड़ों में लोग बांटते रहे, कभी ईसाइयत के नाम पे, कभी इस्लाम के नाम पे। इसी से जुड़ा सवाल मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, हिंदू समय के साथ सहते 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 बदल गया। आज हिंदू इस तरह का हो गया है जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि अगर आप एक हाथ गाल पे मारोगे मैं दूसरा गाल बढ़ा दूंगा। हिंदू आज के डेट में इस तरह बजरंग दल और हिंदू परिषद ने तैयार कर दिया, आप एक हाथ मारोगे हम दूसरा हाथ बढ़ाएंगे, अहम सवाल, हम दूसरा हाथ आपकी तरफ देंगे लेकिन वो फूल आपकी कब्र पे होगा। अहम सवाल एक ही है, सवाल आपसे हम कर रहे हैं जी, बताइए। क्योंकि आप सुल्तानपुर से हैं, हिंदुओं के अगुआ हैं, आप नेतृत्व भी करते हैं हिंदुओं का, यहीं से एक नेता उभरा है जिसने चंदा चुरी का आरोप बीजेपी पे लगाया, संजय जी, है ना, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतने महान व्यक्तित्व चंपक राय जी के बारे में इस तरह के अवसर, संजय सिंह को कोड़ हो जाएगा और उनको नरक में जगह नहीं मिलेगी, ऐसे घृणित बात, ऐसी घृणित बात जिस व्यक्ति ने अपना जीवन, आप पहले चंपक राय के जीवन पे प्रकाश डालिए, आप मीडिया से लोग हैं आपको पता होगा, चंपक राय जी ने अपना संपूर्ण जीवन राम के नाम कर दिया, उस व्यक्ति पे सवाल उठाना कितना घृणित बात है। और तो यह साफ भी हो चुका है, अब ये सारे मसले खत्म भी हो चुके हैं, लेकिन संजय सिंह की तरफ से अभी माफीनामा नहीं आया है। ये बहुत ही गंदा और घृणित तरीका। मोदी जी राज कर रहे हैं देश में, प्रदेश में योगी जी, अखंड भारत की परिकल्पना कैसी होगी? कैसे हिंदू राष्ट्र की है, आपको आहट नहीं मिल रही है क्या? अघोषित हिंदू राष्ट्र की आहट, हम घोषणा नहीं हो रही है, लेकिन आपको क्या मुसलमान को महसूस नहीं हो रहा है कि छदम रूप से, अघोषित रूप से ये हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है? और क्या हम लोग चिल्ला के कहेंगे? ये तो मुसलमान खुद कहेगा अपने मुंह से कि हिंदू राष्ट्र है, और कह ही रहा है।